यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आज उत्तराखंड के विधानसभा में पेश किया जाएगा। आज से ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट के साथ ही यूसीसी बिल को भी सदन में रखा जाएगा। इससे पहले ही इस बिल को रविवार को कैबिनेट ने पास कर दिया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से ही इसको लेकर के सरकार का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। अगर यूसीसी पारित हो गया और राज्यपाल से मंजूरी भी मिल गई तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, धर्म और जाति के लिए अलग कानून नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जिक्र किया गया है। यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करने के बाद कहा था, हमारा जोर महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए लैंगिक समानताओं को सुनिश्चित करना है। हमने मनमानी और भेदभाव को खत्म कर सभी को एक समान स्तर पर लाने का प्रयास किया है। सूत्रों के मुताबिक यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल निर्धारित किया है। साथ ही तलाक के लिए महिला और पुरुष को बराबर का अधिकार दिया गया है। वहीं महिला अगर दोबारा शादी करना चाहती है तो उस पर किसी भी तरह का शर्त लागू नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार यूसीसी कानून में हलाला को लेकर भी सख्त सजा का प्रावधान है। हलाला मामले में 3 साल की सजा और 1,00,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अगर पति या पत्नी में कोई एक जिंदा है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। यूसीसी में लिव एंड रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए भी प्रावधान है। कानून के मुताबिक लिव एंड रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया जाएगा। एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। युवा एवं युवती रजिस्ट्रेशन कर लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। खैर, इस खबर पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।